राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर बना रही केंद्र सरकार। तेलंगाना के साथ हो रहा भेदभाव, केसीआर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर बनाने की साजिश कर रही है और तेलंगाना के साथ भेदभाव कर रही है। तेलंगाना के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में राव ने देश में हो रही घृणा की राजनीति को लेकर भी केंद्र एवं अन्य पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी तक केंद्र की सत्ता में बैठने वाली सरकारों ने सिर्फ संविधान की आत्मा और राज्यों की स्वायत्तता को मारने का काम किया है। उन्होंने कहा, फिलहाल केंद्र में मौजूद सरकार मजबूत केंद्र कमजोर राज्य के तुच्छ सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए सरकार के शासनकाल में राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है। केंद्र पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री राव ने कहा कि केंद्र करों को उपकर में बदल रहा है ताकि वह केंद्र द्वारा लगाए गए करों में राज्य को हिस्सा देने की संवैधानिक बाध्यता से बच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि इससे सभी वाकिफ है। कि केंद्र सरकार राज्यों के हिस्से के लाखों करोड़ों रुपए अपने पास रख रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मनमाने तरीके से तमाम पाबंदियां लगा रही है और राज्यों की आर्थिक आजादी को बाधित कर रही है। राव ने कहा कि हालांकि केंद्र इस बात पर जोर दे रहा है कि राज्य FRBF के प्रावधानों का पालन करे, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र का रुख तेलंगाना जैसे राज्य के राह में रोड़ा बन गया है, जो BRF वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के दायरे में रहते हुए ऋण और निवेश खर्च का प्रबंध करके वित्तीय अनुशासन बनाए रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं केंद्र से तत्काल इस पर विचार करने और राज्यों पर लगी आर्थिक पाबंदियों को हटाने और भविष्य में राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन रोकने की मांग करता हूँ। राव ने कहा कि केंद्र के किसान विरोधी सुधारों को लागू करने से इनकार करने के कारण तेलंगाना को हर साल 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और पिछले 5 साल में राज्य को 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।